For any positive integer n, prove that n cube minus n is divisible by 6. यानी कि n यहाँ पर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और हमें यह साबित करना है कि जो n cube minus n है वो 6 के द्वारा divisible होगा. अब देखो, divisible by 6 का मतलब क्या होता है? तो divisible by 6 का मतलब होता है divisible by 2 and 3, क्योंकि 6 का prime factor 2 and 3 होते हैं. ठीक है, अब 2 से अगर divide देखना है तो दुनिया के किसी भी दो लगातार नंबर को आप ले लें तो आप देखेंगे कि उन दो लगातार नंबर में कोई एक दो से डिविजिबल जरूर होगा. वैसे ही अगर आपको ये पता लगाना है कि तीन से डिविजिबल है या नहीं है, तो दुनिया का आप कोई भी तीन लगातार नंबर ले लें तो उस तीन लगातार नंबर में कोई एक नंबर जो होगा वो आपको निश्चित तौर से तीन से डिविजिबल मिल जाएगा. ठीक है, ये हमारा लॉजिक है. इसलिए सॉल्यूशन में हम लोग जब लिखते हैं एन क्यूब माइनस एन, तो हम इन दोनों में से एन को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एन स्क्वायर माइनस वन. अब ये फार्मूला आ गया जिसको एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसे हम लोग बढ़ते क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं. तो सबसे छोटा टर्म हमारा एन माइनस वन है, इससे वन बड़ा एन है और इससे एक ज्यादा एन प्लस वन है. तो क्योंकि ये तीनों तीन लगातार इंटीजर्स में हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये दो से भी डिविजिबल हैं और ये तीन से भी डिविजिबल हैं. तो इससे यह साबित होता है कि पूरा पूरा जो नंबर होगा वो 6 से डिविजिबल होगा.